नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार के लोग कई जगहों पर फंसे हुए हैं। आपको पता है देशव्यापी लॉकडाउन चल रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस की इस महामारी से हमें बचना भी है। सरकार लोगों को बचाने के लिए हर एहतियात कदम उठा रही है, आपदा राहत केंद्र चलाए जा रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर आप अक्सर देखते होंगे कि कई सारे जगहों पर लोग जो फंसे हुए हैं वो सरकारों को अनाप शनाप बोल रहे हैं। हाँ, हम मानते हैं कि वो बहुत क्रोधित हैं, लेकिन उन्हीं सब चीज़ों को लेकर अब जब केंद्र सरकार की तरफ से यह गाइडलाइन जारी किया गया है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किया है कि अब जो राज्य हैं, अगर उनके लोग दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, चाहे उस राज्य के कामगार हों, मजदूर हों, छात्र छात्राएं हों, यदि वो दूसरे राज्य में फंसे हुए हैं तो वो उन्हें ला सकते हैं। ऐसे में लाइव सिटीज़ में हमारे सहयोगी हैं रघुवर, उनके मैसेंजर पर लगातार मदद की अपील मांगी जा रही है। देखिए, बहुत लोगों के मैसेंजर पर या फिर व्हाट्सएप पर लोगों की गुहार जो है वो सुनने को मिल रही है। लोग कम से कम जितने लोग हैं उन सभी से मदद मांग रहे हैं, चाहे वो खुद ही क्यों ना फंसे हुए हों। हमसे भी रोज़ कम से कम 50 से 60 लोगों की बातें होती हैं। वो सभी कहते हैं कि हम यहाँ फंसे हुए हैं, हम वहाँ फंसे हुए हैं। हम बार बार उन्हें सांत्वना देते हैं या कहते हैं, दिलासा दिलाते हैं कि सरकार आपके लिए कुछ कर रही है। लेकिन रघुवर को मैसेज आता है नेपाल से। तस्वीर देखिए किस तरीके से, ये नेपाल की तस्वीरें हैं जहाँ पर बताया जा रहा है, उन्होंने ही बताया है जिन्होंने ये वीडियो हम तक पहुँचाया है। हम इनकी दुख भरी दास्तां आप तक पहुँचाने वाले हैं। पहले जरा देखिए किस तरीके से इतने सारे लोग एक सीमित दायरे में रह रहे हैं, वो भी इस वक्त जब सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है, कि सोशल डिस्टेंसिंग कोरोना वायरस की इस महामारी में सबसे बड़ा हथियार है। पूरी दुनिया में एक तरफ जहां 30 लाख से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं, अगर हम भारत की बात करें तो भारत में भी 31,000 से ज़्यादा ये आंकड़ा पहुंच चुका है। लेकिन नेपाल में ये जो तस्वीरें हैं, ये जितने लोग फंसे हुए हैं, ये दिहाड़ी मजदूर हैं, क्या कुछ कह रहे हैं ये। पहले ये चिट्ठी देखिए, चिट्ठी में किस तरीके से इन्होंने कहा है कि ये सभी बताते हैं चिट्ठी के अनुसार से कि ये सभी जिस अनुमंडल से हैं वहाँ के सांसद हैं, रामप्रीत मंडल। इसका अर्थ होता है कि ये सभी झंझारपुर के रहने वाले हैं, बिहार के हैं, और ये लोग जो फंसे हुए हैं ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपील कर रहे हैं कि कृपया कर इन्हें जल्द से जल्द वापस लाया जाए। ये मजदूर हैं, काम की तलाश में दर दर भटकते हुए नेपाल तक गए थे, लेकिन वहाँ पर हालात ऐसे हैं कि एक एक कमरे में 20-20 लोगों को रहना पड़ रहा है। आप सोच सकते होंगे कि आप एक कमरे में, यदि आप घर में बैठ के इस वक्त हमें देख रहे होंगे, तो एक कमरे में दो व्यक्ति रहते होंगे, उसमें भी डर लगता होगा। स्थिति वैसी है तो एक कमरे में 20 व्यक्ति कैसे रहते होंगे। इनकी जरा पुकार सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं ये। कृपया कोशिश कीजिए और यहाँ का जो वीडियो वायरल हो रहा है वो आप लोग के बीच हम भेज रहे हैं। वर्कर को दिखा भी रहा है, देखिए हमारे वर्कर हैं, 1200 वर्कर हैं, देखिए इधर नजर उठा करके। वर्कर है लगभग जो है 1000 का कतार है, इधर भी है उधर भी है, और जो है कुछ लोग आ भी रहे हैं, सामने से आ भी रहे हैं। आप जो है हम लोग को यहाँ से निकालने का कोई उपाय दिखाए। कैलाश जी को बुलाइए। बोलिए सर, आप हमारे भाई साहब दीपक जी जो बोले हैं अभी सही बोले हैं। हमारे साहब से अनुरोध है कि हम जितने 1200 वर्कर यहाँ पर में बहुत दुखमय जिंदगी बिता रहे हैं और हम लोग को अति शीघ्र यहाँ से निकाला जाए। हम उनसे अनुरोध करते हैं, उनका आभार प्रकट करेंगे। हमारे यूपी का जो यूपी का लोग हैं, कुछ बिहार के हैं, बहुत झारखंड के हैं, दूर दूर से आए वर्कर लोग, सरदेवा गाँव पालपा जिला सीजी सीमेंट प्लांट के अंदर वो वर्कर लोग काम कर रहे हैं, जो काम नेपाल के अंदर में जो लोग काम करते करते किसी को 8 महीना किसी को 10 महीना, वो लोग सोच रहे थे कि मैं गांव जाऊंगा, लेकिन फिलहाल कोरोना वायरस महामारी के अंदर आ गया, ये लोग गांव नहीं जा पा रहे हैं। अब ये लोग परेशान हो रहे हैं कि जितना जल्दी हो उतना जल्दी हमारे श्रीमान यहाँ से निकाले। हमारे इधर देखिए कितने भाई लोग, जनता लोग खड़े हैं, सब मजदूर वर्कर लोग हैं, सब लोग सोच रहे हैं कि कब यहाँ से निकलेंगे। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री, हमारे सांसद जी से अनुरोध है, मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि हम लोग योगी आदित्यनाथ जी, जितना मजदूर लोग हैं, आदित्यनाथ जी से भी अनुरोध है कि हम लोग मजदूर को यहाँ से निकालें, अति शीघ्र निकालें, इसमें आपका महान कृपा होगा। हम लोग उस स्टेट से हैं जहाँ पे हम अपना वर्कमय जिंदगी से अलग अलग स्टेट जाते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, उसमें किसी घर से एक आदमी है तो वो कमाएगा तभी घर चलेगा। माननीय श्री बिहार सरकार जी, आप जो है मेरा वीडियो पे
कृपया ध्यान दीजिएगा और जल्द से जल्द हम लोग जो पीड़ित व्यक्ति है उसको चेक इन करके पूरा एड्रेस दे वो अपना जो है रिपोर्ट जारी कीजिए। हम लोग को इंडिया में कहीं रुकने का जगह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और लेकिन यहाँ से हम लोग को निकालने का कोई साधन बताइए और ये वीडियो को वायरल कीजिए। आपने सुना इनके दुख दर्द को। हालांकि यहाँ पर बताया ये भी गया है, रघुवर हमें बताते हैं कि यहाँ पर कुछ उत्तर प्रदेश के भी लोग हैं जो फंसे हुए हैं, बिहार के तो लोग हैं ही, ऐसे में बिहारी जो हैं वो नेपाल में भी फंसे हुए हैं, उन तक भी हमारी अपील होगी। अगर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक हमारी आवाज़ जा रही हो या फिर सत्ताधारी दल के किसी भी नेता तक अगर हमारी आवाज़ जा रही हो तो इन पर ज़रूर सोचा जाए, जल्द ही इस पर विचार किया जाए, क्योंकि ये लोग भी बिहार के हैं। हाँ, काम के तलाश में ये ज़रूर नेपाल चले गए थे, लेकिन इस आपदा के समय में ये कह रहे हैं कि ये बिहारी हैं, कैसे खा रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, इसका जो एक रोना है वो भी नहीं रो सकते हैं, क्योंकि वो दुख सिर्फ यही जानते हैं क्या इन पर बीत रही है। उम्मीद है बिहार सरकार जल्द ही नेपाल में फंसे हुए इन बिहारियों की भी जल्द मदद करेगी। आप लाइव सीरीज देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।